नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भुसावल शहर के वार्ड क्रमांक 23 के सामाजिक कार्यकर्ता आमीन कुरैशी माजी आमदार संतोष चौधरी के मार्गदर्शन में आए दिन नागरिकों के हित में काम करके नागरिकों के दिलों में अपनी जगह बना रहे हैं। आमीन कुरैशी वो इम्तियाज सेठ ने माजी आमदार संतोष चौधरी के मार्गदर्शन में वार्ड नंबर 23 नूरानी मस्जिद परिसर में वैक्सीनेशन कैंप लिया, जिसमें काफी नागरिकों ने इसका लाभ उठाया। वहीं आमीन कुरैशी ने अपनी प्रतिक्रिया में बताया कि आज उनका कैंप लेने का उद्देश्य ये है कि बीते दिनों में सिर्फ नगरपालिका अस्पताल में वैक्सीनेशन कैंप रहा करते थे, जिसकी वजह से बहुत से नागरिकों को वैक्सीन लेने में दुश्वारियां आई थी। वहीं अब नगरपालिका की ओर से हर घर दस्तक मुहिम की शुरुआत हो गई है। वहीं नागरिकों की समस्याओं को जानकर उन्हें नगरपालिका अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर से बात कर यहां कैंप लिया। वो इम्तियाज शेख ने सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि सभी इस कैंप का लाभ लें। वहीं अपने परिवार व परिसर को कोरोना जैसी बीमारी से बचाना चाहिए। अभी क्या एक्टिविटी शुरू है और आपने यहाँ पर क्या काम किया? यहाँ हमने 28 तारीख को ई श्रम कार्ड का कैंप लिया था। उसके बाद 29 तारीख को हमने कल के दिन जिन लोगों के इलेक्शन कार्ड बाकी थे बनना, वो कैंप लेके बहुत से लोगों के हमने फॉर्म जमा किए है। और आज 30 तारीख को कोविड वैक्सीनेशन का कैंप रखा है। आप देख रहे हैं अच्छा प्रतिसाद है यहाँ पे नागरिकों द्वारा। और यहाँ बहुत से लोग जो है नगर पालिका में जब वैक्सीनेशन लेने गए, वहाँ बहुत गर्दी होने की वजह से उनको वहाँ वो डोज ले नहीं पाए। तो उन नागरिकों ने हमसे संपर्क करके बोला कि आप भी यहाँ पे वैक्सीनेशन कैंप रखेंगे तो हमारा यहाँ पे आसानी से डोज लेना हो जाएगा। इसलिए हमने आज ये अरेंज करा, लेट नाइट हमने अरेंज करवा के डॉक्टर मयूर चौधरी साहब उनसे बात करके यहाँ अरेंज किया है। और उन्होंने हमारे ग्रामीण रोगनालय से हमारे को फैसिलिटी दे के यहाँ पे कैंप चालू है। और ये कैंप जो है कब से कब तक ये कैंप 11 से 5 तक हमने रखा है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो भी लोग हैं इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। सर, अभी जो है वार्ड क्रमांक 23 नूरानी मस्जिद परिसर के अंदर वैक्सीनेशन कैंप रखा गया है, इसके अंदर आप क्या कहेंगे? हमारे वार्ड के लोगों से सहयोग तो आप देख ही रहे, अच्छा मिल रहा है। और इंशाल्लाह और भी लोग अभी आने वाले हैं। और ये जो चीज़ है, ये वैक्सीनेशन जो है बहुत ज़रूरी है, कराना चाहिए। इसके लिए अमीन भाई ने, हमारे डॉक्टर साहब ने, हमारे अमीन भाई को तो आप जानते ही हैं, ये हमारे साथ में है। तो हमको जो है यानी जहाँ तक हो सकता हमारे वार्ड में 100% वैक्सीनेशन करने की हमको ज़रूरत है और इंशाल्लाह हम इसको पूरा करेंगे। नागरिकों से हमारा ये आह्वान है कि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहयोग करके अपने सेफ्टी कर लेना चाहिए डोज लेकर के, क्योंकि अभी जैसे जो है आगे भी एक अभी नया वायरस का वो हुआ है, हमने डोज ले लिया तो हमारी एक सेफ्टी हो जाती है। तो नागरिकों से विनंती भी है, आह्वान भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा डोज कंप्लीट करें अपने।